नमस्ते, हैप्पी दिवाली। आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैसे हैं सब लोग? आप बढ़िया ना? चलिए, आज महालक्ष्मी का भोग है, इसलिए हम लोग कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत कम चीज़ें जिसमें पानी नहीं रहता है, पानी की मात्रा कम रहती है, ऐसे जैसे कि मैंने यहाँ तैयारी की है। यहाँ देखिए, ये बेसन के लड्डू, इसमें पानी नहीं जाता। एक अनारसा करके महाराष्ट्रियन डिश है, जिसमें देखिए खुसखुस लगा हुआ है, और नज़दीक से देखिए वो इसमें कितनी अच्छी तरह से जाली आई हुई है। और ये हमारा कस्टर्ड एप्पल, सीताफल जो हम लोग बोलते हैं, ये सब जाता है इसमें। और ये जो बतासा, ये देखिए, ये जो बतासा, ये जो चावल की जो ये रहते हैं, और ये रहता है वाटर चेस्टनट, ठीक है। तो ये सबका बहुत महालक्ष्मी जी को बहुत पसंद आने वाली ये चीज़ें हैं। श्रीकांत जी बोले, सो लवली एंड ब्यूटीफुल, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली श्रीकांत जी। मानव जी बोल रहे, हैप्पी दिवाली। थैंक यू मानव जी, आपको भी हैप्पी दिवाली। और बहुत, एक महीने से मैं नहीं आई हूँ, तो आप लोगों ने मिस किया कि नहीं ज़रूर बताइएगा। मैंने तो बहुत मिस किया, थोड़ी सी अनवेल थी, थोड़ी नहीं ज़्यादा ही, लेकिन आप सबका प्यार और इतने सारे कमेंट्स कि हमारी शेफ कहाँ है, अपर्णा शेफ कहाँ है, तो मैं आ गई और अच्छे होके आ गई हूँ। तो शुरुआत करते हैं आज मलई लड्डू से। ये भी महालक्ष्मी को बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें जो हम लोग देखिए ये भी डाल सकते हैं फॉक्स नट मखाना, तो ये भी महालक्ष्मी जी को प्रसाद बहुत अच्छा लगता है, ये प्रिय है, क्योंकि महालक्ष्मी कमल में आती है, खड़ी रहती है। तो ये चेस्टनट या ये हमारा फॉक्स नट जो है वो कहाँ से आता है? कमल से आता है। तो चलिए, ये मैंने लिया है, आधा लीटर दूध लिया है, और इसको ना मैंने थोड़ा रिड्यूस किया है, इसको रिड्यूस करते रहना है हम लोगों को। मैंने थोड़ा पहले से किया है, देखिए ये काफ़ी मैंने काफ़ी हद तक करके रखा है। ये प्योर दूध है, क्योंकि महालक्ष्मी जी को प्रसाद जो दे रहे हैं, जैसे वो अनार से बेसन के लड्डू, इसमें भी पानी की मात्रा नहीं रहती है। तो देखिए, इसमें भी इसका पानी अच्छी तरह से हम लोग निकाल लेंगे, और ये रिड्यूस करने के लिए मैंने रख दिया। और एक बात, मैंने कुल मिला के ना 2 लीटर दूध लिया था, और उसमें से 1 लीटर को मैंने क्या किया, गरम किया है। देखिए, ये जो है 1 लीटर को मैंने गरम किया था, और इसको गरम होने के बाद गैस ऑफ करना है, और एक कप में आधा कप नींबू का रस, और उसमें थोड़ा सा पानी, और वो धीरे धीरे मैंने किस में डाला था, दूध में डाला था, और ये छेना बना लिया था। देखिए, अभी ये छेना जो बना है ना, इस पे ऊपर मैंने कोई वजन नहीं रखा है। हाँ, पनीर से भी मलाई लड्डू बनता है, लेकिन जो खास हलवाई लोगों की ट्रिक है ना, वैसे वो जो मतलब सॉफ्टनेस है वो इसी तरीके से आता है। तो ये आप मलाई, जैसे ये छेना जो है ना, घर पर बनाइए। हैप्पी दिवाली शेफ। थैंक यू अंजना जी, और सही में आप सबका प्यार है कि मैं इन सब से बाहर आ गई हूँ, और मुझे खुशी है, क्योंकि मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा था भाई। हर त्यौहार आज 3 साल होते आ रहे हैं, और हर त्यौहार में मैं आप लोगों के साथ रहती हूँ, तो दिवाली हमारा सबसे बड़ा फेस्टिवल, उसमें आप लोगों के साथ मैं कैसे नहीं रहूँ, क्योंकि दिवाली मनाई जाती है अपनों के साथ, और मैं आपके साथ मनाना चाहती। देखिए, ये जो आधा लीटर दूध है वो मैंने रिड्यूस करने के लिए रखा है, और आपको समझ में आया होगा ये छेना मैंने कैसे। फिर एक बार रिपीट करती हूँ, 1 लीटर दूध मैंने लिया था, और इसको क्या किया, मैंने गरम कर लिया पूरी तरह से, और आधा नींबू में धीरे धीरे पानी डाल के उसको मैंने मिल्क में डाला था और फाड़ दिया था। जनरली हम
जैसे रसगुल्ले के लिए वगैरह छेना फाड़ते हैं तो थोड़ा सा गुनगुना होने देते हैं दूध, लेकिन इसमें गर्म दूध में ये छेना निकालना है। रमेश जी बोल रहे हैप्पी दिवाली जी, निरंजन जी बोल रहे हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली रमेश जी, निरंजन जी हैप्पी दिवाली। नीता जी बोल रही है ब्लेस्ड मॉर्निंग एंड हैप्पी दिवाली, ग्रीटिंग्स टू यू एंड योर फैमिली। थैंक यू अनीता जी, और थैंक यू वेरी मच, आप सबको बहुत ज़्यादा मुबारक। और आज हम लोग महालक्ष्मी पूजन के लिए खास बना रहे हैं। वैसे तो मैं एक महीने से आना चाहती थी, इतने सारे प्लान थे कि आपको क्या क्या सिखाऊंगी। तो ये जो से दिवाली वाले जो नाचते रहते हैं वो, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अभी से मैं जुड़ रही हूँ तो आगे हम लोग अच्छे अच्छे डिशेस लेंगे। देखिए ये हाफ करना है हमको, है ना, आधा लीटर था इसके लिए मैंने 1 लीटर लिया है और इसके लिए आधा लीटर। समीक्षा जी बोले सच अ डिलाइटफुल डिश एट दिस डिवाइन फेस्टिवल, थैंक यू वेरी मच समीक्षा जी। और देखिए इसमें मैंने, आप बोलेंगे इसमें ही क्यों नहीं मैंने चीनी मिलाई है, तो इसका कारण कई बार चीनी ना पानी छोड़ती है, तो चीनी को कभी भी एक साथ मत डालिए। देखिए अभी मुझे यहाँ 4 टेबलस्पून लेना है और ज़्यादा मीठा करने की इसको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऐसे ही मलाई वाला थोड़ा कम मीठा अच्छा लगता है। वैसे कम मीठा नहीं रहता है वो, जो आप मुंह में डालेंगे मलाई लड्डू तो वाह 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 क्या कहने, बचपन से मेरा बहुत फेवरेट। और हर बार मुझे लगता था कि ये मलाई के साथ कैसे बनता है। हमारे यहाँ नागपुर के पास, मैं नागपुर की शेफ बोल रही हूँ, शेफ अपर्णा कोलारकर, और नागपुर से यहाँ रामटेक हमारे यहाँ बहुत काफ़ी मतलब फेमस है, जहाँ राम जी रुके थे हमारे श्री राम जी, तो उनके वहाँ पे जाने के लिए ना वहाँ पे एक मलाई लड्डू काफ़ी फेमस है। और मुझे हर बार लगता था कि ये कैसे बनता होगा, कैसे मलाई को गैदर करते होगे, तो वो जो हलवाई वाली ट्रिक है ना वो मैं बता रही हूँ। और इसमें पनीर के साथ भी बना सकते हैं अगर आपके पास वक्त नहीं है, लेकिन ये छेना बना के जो करना है ना वो बहुत मज़ेदार रहता है। मैंने अभी 1 टेबल स्पून डाला है, उई सॉरी, तो ये 1 टेबल स्पून एक ऑलरेडी गिर गया इसमें, तो ये दूसरा टेबलस्पून इसमें, वो कटोरी मेरे हाथ से थोड़ी फिसल गई, बड़े बड़े शो में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है, ठीक है। ये देखिए ये सेकंड वाला, जसिंदा जी बोलिए मे द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स ब्राइटन योर लाइव्स एंड होम एज वेल, थैंक यू वेरी मच। देखिए ये एक साथ हमने नहीं डालना है, ये छोटी छोटी ट्रिक, छोटी छोटी बातें, ये आपको परफेक्शन की तरफ लेके जाती है। जो बिगनर्स है उनको लगता है कि भाई हमने दूध में चीनी मिला दी, पानी जाने का कोई सवाल ही नहीं आता, लेकिन जब जब भी आप एकदम से डालोगे तो दूध में भी पानी जाता है। ये तीसरा टेबलस्पून, थैंक यू वेरी मच शिरीष जी। और सही में मुझे, मैंने बताया कि अपनों के साथ दिवाली मनाई जाती है और मैं भी बहुत मिस कर रही थी, और आप सबका प्यार मुझे यहाँ तक ले आया है, फिर से खड़ी रही हूँ मैं, और थैंक यू वेरी मच। हैप्पी दिवाली कुणाल जी। देखिए ये अभी एक आखिरी थोड़ी सी बची है, 4 टेबलस्पून हमने डाली है तो ये मैंने डाल दिया है, राइट। अभी इसको एकदम छोटा महीन गैस किया है और मैंने इसको बंद ही कर देती हूँ और बताती हूँ आपको कि क्या करना है। देखिए ये जो हमारा छेना है वो देखिए, राइट, इसको क्या करेंगे, देखिए कितना सॉफ्ट और सफ़ेद सफ़ेद, इसमें पानी की कोई मात्रा नहीं है, लेकिन खाली ये छेने में हम लोग पनीर में जैसे वजन रखते हैं ना वैसे नहीं रखा है। और इसको क्या करना है, हमारे हथेले का जो ये हिस्सा रहता है जो उठा हुआ है, पाम का जो हिस्सा उठा हुआ रहता है, उससे क्या करना है, बिल्कुल हलवाई स्टाइल बता रही हूँ, देखिए ये जो है ऐसे रगड़ना है,
इसमें हम लोग कुछ भी नहीं डालेंगे, क्योंकि भाई महालक्ष्मी जी का प्रसाद है और किसी चीज़ मिलाने की ज़रूरत ही नहीं। सिर्फ आराम से आपको ये करना है। मुझे जो बचपन में क्यूरी थी कि मलाई लड्डू कैसे बनाया जाता है, काश आपको ऐसे नहीं लगेगा कि कैसे बनेगी। देखिए ये 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 जो सॉफ्ट किया हुआ मैंने, और एक शॉर्टकट में बताती हूँ इसमें क्या किया जाता है। बिगनर्स लोगों को शायद ये नहीं आए है, तो इसके लिए एक शॉर्टकट में बताती हूँ। ये जो हमारा ये क्रशर रहता है पाव भाजी वाला या पोटैटो वाला, तो उसमें आप इससे भी कर सकते हो। और यहाँ मैं टेबल में कर रही हूँ ना, तो थोड़ा सा देखिए इसको फिर से एक साथ करेंगे और फिर से मैं इसको ऐसे कितनी अच्छे से मसल सकते हैं आप। देखिए मिक्सी में मत डालिए, इससे हाथ से ही। कई बार जैसे हम लोग श्रीखंड बनाते हैं तो जैसे छन्नी से छान लेते हैं, या फिर पूरन रोटी जिसमें बनाते वो मशीन में डालते हैं, तो अगर आप ये माइक थोड़ा सा मेरा नीचे आ गया था, किसी को आवाज़ नहीं आ रही थी, वो ठीक कर लिया। देखिए ये जो मैंने जो आपको बताया कि श्रीखंड का क्या होता है, जैसे आप मिक्सी में घुमाओगे चक्का और इसको, तो वह पतला हो जाता है, उसका जो फाइनल प्रोडक्ट रहता है वो पतला होता है। वही सेम चीज़ें अगर हमने हाथ से या छन्नी से छान लिया या पूरन रोटी से छान लिया तो कैसे रहता है, वो थिक रहता है। तो वैसे ही ये मिक्सी से नहीं करना है। चलिए इसे हो गया है, देखिए ये कितना सॉफ्ट हो गया है। ये अब मैं इसको एक साथ लेती हूँ, देखिए फिर से मैं थोड़ा सा ये सॉफ्टनेस इससे आता है, ये जो हिस्सा है पाम का हमारा उठा हुआ उससे बिल्कुल। और इसका टेस्ट कई बार मिठाई ना बहुत अच्छी मिलती कोई छोटी जगह पे या ऑथेंटिक जगह पे, जो बड़े बड़े इसमें नहीं मिलता है, और काफ़ी कॉस्टली रहता है ये, तो आप अपने घर में आराम से बना सकते हैं। देखिए ये थोड़ा ये बचा है, इसको भी मैं कर लेती हूँ। चलिए अभी ये जो हमारा रिड्यूस किया हुआ दूध है, देखिए इसमें मैंने चीनी भी मिलाई है, और ये जो रिड्यूस किया हुआ मिल्क है इसमें मैं डालूंगी अभी ये हमारा जो बनाया हुआ छेना, करीब करीब 150 ग्राम अमूल गोल्ड मिल्क से निकाला है मैंने, तो एक लीटर में। चलिए अब इसमें ये मैं डालूंगी छेना और ये मिल्क, और इसमें शुगर भी है, तो अभी ये फटाफट हो जाएगा। देखिए क्या सफ़ेद कलर, थैंक यू उदय जी। और इसमें देखिए हम लोग इलायची पाउडर डालने वाले हैं, लेकिन अगर आप इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे तो भी इतना प्यारा सा इसमें स्वाद आता है। वाह देखिए अब ये धीरे धीरे क्या होगा, अगर आपके पास अगर घर की जमी हुई मलाई है तो आप 2 टेबलस्पून डाल सकते हैं इसमें, लेकिन मेरा ये मिल्क ही इतना क्रीमी था बहुत ज़्यादा। देखिए इसको ऐसे ही हिलाते रहना है, नीचे नहीं लगेगा इसकी, आप कोशिश कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत डेलिकेट लड्डू है। देखिए थैंक यू श्री जी। और श्री जी एक बात बोलना चाहूँगी, इसमें घी नहीं है,
इसमें शक्कर भी बहुत ज़्यादा कम है। ये मलाई और का ही पूरा मतलब टेस्ट है इसमें। तो मैं सजेस्ट करूँगी पर्सनली कि आपको अगर इलायची पाउडर भी नहीं डाले तो भी चलेगा, लेकिन जो मार्केट में मिलता है ना इसमें थोड़ा सा रहता है या फिर गुलाब जल रहता है। देखिए ये अब धीरे धीरे हो रहा है। इस पॉइंट पे अगर आप डालना चाहोगे तो ये घर की मलाई, देखिए ये मैंने निकाली थी, एक टेबल स्पून डाल रही हूँ। थैंक यू अंजना जी। और सही में हम लोग हमेशा मैं बोलती हूँ जब भी कोई गेस्ट आए, जब भी कोई त्यौहार हो, पूरा खाना हम लोग घर पे बना लेते हैं। और मीठाई की जब वक्त आता है तो हम मार्केट में किसी को बेचते हैं, जो कि पूरे खाने का कॉस्टिंग एक तरफ और मीठे का कॉस्टिंग एक तरफ। तो देखेंगे, देखिए कितना सफ़ेद मलाईदार। थैंक यू निकिता जी। और मैंने जो 4 टेबलस्पून इसमें डाला है शुगर, उसमें मेरे इसमें इलायची थी, उसमें आप सादी वाली शुगर भी डाल सकते हैं। वाओ, एकदम सफ़ेद सफ़ेद, महालक्ष्मी को भोग लगेगा। और महाराष्ट्र में क्या क्या लगता है, जो अनारसा और जो बेसन के लड्डू है वो हमारी महालक्ष्मी जी को बहुत अच्छे लगते हैं, और कस्टर्ड एप्पल, इससे खास रिश्ता है, महालक्ष्मी बहुत पसंद करते हैं, कमल का फूल, ये सब चीज़ें। और ये वाटर चेस्टनट वो भी बहुत ज़्यादा पसंद है। ये चेस्टनट वाली देखिए, मैं और आपको रेसिपी सिखाऊंगी। इसमें ग्रीन कलर के आते हैं, फिर वो उबालने के बाद ऊपर का हिस्सा ऐसे काला हो जाता है। हेलो कंचन जी, कंचन जी फ्रॉम चंडीगढ़? नहीं, अच्छा ओके। देखिए ये मैंने गैस मीडियम फ्लेम पे ही रखा है और इसको हम लोग होने देते ठंडा और फटाफट हो जाएगा, डोंट वरी, एकदम आसान तरीके से जल्दी जल्दी ये हो रहा है। देखिए एक साथ हो गया है। जल्दी हो जाए इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें से फ्रिज में थोड़ा रखवा देती हूँ। तो देखिए ये अपने आप ही हो रहा है, और बस थोड़ी देर। हेलो पार्वती जी, हैप्पी दिवाली। हेलो नुसरत जी, और मैं आप सबको मिस कर रही थी। देखिए ये शानदार मलाई लड्डू, हम जो दूध में से मलाई निकालते हैं पूरी तरह से दूध, इसमें पानी कुछ भी नहीं है अभी। और ये देखिए देखिए, लम्स रहने का तो कोई सवाल ही नहीं है, मैं आपको दिखा रही हूँ ये। और बहुत कम, अगर हम लोग जब ये गैस ऑफ करेंगे इसके बाद, कई लोग ना मिश्री डालते हैं थोड़ा सा, जिनको बहुत मीठा पसंद है, लेकिन मुझे नहीं पसंद, क्योंकि इसमें जो मिठास और सॉफ्टनेस है ना वो थोड़ा मिश्री से चला जाएगा, मीठा तो हो जाएगा लेकिन वो सॉफ्टनेस मिश्री है ये समझ में आता है खाते समय। तो थैंक यू नुसरत जी, और सब के साथ आज मुझे आते समय बहुत अच्छा लग रहा है, और मुझे लग ही रहा कि आप सबका प्यार, जो मुझे फटाफट, जो मैं अनवेल थी, थोड़ी ठीक नहीं थी, तो जल्दी से आ गई हूँ। देखिए क्योंकि भाई मैंने अमूल के पूरे त्यौहार के साथ इतनी सारी त्यौहार किए हैं सेशन में, तो मैं मिस नहीं करना चाहती थी। 3 साल हो गए, हर त्यौहार मैं आप लोगों के साथ मनाती हूँ, हर सेशन में और हर त्यौहार में मैं हर स्पेशल रेसिपी लेके आती हूँ।
तो आज का इतना बड़ा फेस्टिवल तो मैं कैसे छोड़ सकती थी। देखिए ये हो गया है। पार्वती जी पूछ रहे मलाई का ऑप्शन। मलाई अगर आप नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। देखिए पार्वती जी, जैसे आप छेना करोगे, छेना करते समय दो चीज़ें बहुत ट्रैक मतलब बहुत अच्छे से समझना चाहिए। आपने क्या करना है, दूध एक लीटर उबलना है और उसको अच्छे से गर्म होने के बाद स्विच ऑफ करना है। आधा नींबू का रस और उसमें आधा कप पानी लेके वो मिक्स करना है और धीरे धीरे हमारे गर्म दूध में ही डालना है, तो वो जो छेना निकलेगा ना, और छेना को एक बार धोएंगे उसके बाद जो निकलेगा छेना, उसके ये मलाई लड्डू। और आखिरी में मैंने जो एक टेबलस्पून घर की मलाई डाली है, कोई ज़रूरत नहीं नहीं डालेंगे तो भी। चलिए ये निकाल लेती हूँ, मैं गैस ऑफ कर देती हूँ। देखिए ये मैं इसमें निकाल देती हूँ। इलायची में शुगर में ही डाले था, नहीं तो आप नॉर्मल शुगर भी डाल सकते हो। और इस पॉइंट पे इलायची डाल दीजिए अगर आपके शुगर में नहीं है, सिंपल वाली शुगर जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग यूज़ करते हैं, जो पिसी हुई नहीं है। लेकिन जैसे शुगर मैंने बोला है धीरे धीरे डालिए, नहीं तो पानी छूट जाता है और वैसा रिजल्ट नहीं आता हम लोगों को। देखिए कहीं सामान वैसे ही रहते हैं, वही रहते हैं, लेकिन बनाने का तरीका और वो परफेक्शन ये छोटी छोटी ट्रिक से आती है। अभी इसके बाद आप बना के दिखाइए और मुझे बताइए कैसे बनाया आपने मलाई लड्डू। अभी इसको थोड़ा सा मैं ठंडा करना चाहती हूँ, तो थोड़ा सा मैं फ्रिज में भी रखवाती हूँ। फटाफट हो जाएगा, वैसे तो 5 मिनट में हो जाता है। ये मैं थोड़ा सा फ्रीज में रख देती हूँ फैला के, और इसको हम लोग करेंगे ठंडा। देखिए कितना सफ़ेद सफ़ेद हमारा ये मलाई लड्डू। एक प्लेट लेती हूँ मैं, और चलिए इसमें आ जाएगा, हटा देती हूँ। ये देखिए फटाफट ठंडा होगा, ऐसे कुछ ज़रूरी नहीं, वक्त लगेगा। और ये सभी को बहुत पसंद आने वाली चीज़, बहुत डेलिकेट, काफ़ी कॉस्टली, और सबसे बड़ी बात कि त्यौहार में प्योर मिलना चाहिए। जैसे घर के हम बनाई हुई शुद्ध मिठाई हम हमारे भगवान को चढ़ा सकते हो। तो देखिए कितना फटाफट हो गया है, और जब भी हम भगवान के लिए इतना करते हैं तो ये शुद्ध मिठाई भी घर की बनाएंगे। देखिए ये चलिए ये मैं रख देती हूँ, और देखिए ये छोटे छोटे बॉल। आप अगर मिठाई के भी अगर आपके पास पेपर्स होंगे तो आप रख सकते हैं। इसे थोड़ा बढ़ा लेती हूँ, डायरेक्ट डिश में रखती हूँ। देखिए ये परफेक्ट टेक्सचर है, और कैसे बनाना मैं दिखाती हूँ आपको। और भी देखिए, अभी ये तो जैसे हमारा रूम टेम्परेचर से थोड़ा ज़्यादा गुनगुना है, और वो भी फटाफट हो जाएगा। कोशिश कर लीजिए कि एक जैसे साइज में बने। देखिए ये जो थोड़ा सा दरदरा सा परफेक्ट टेक्सचर, और घी देखिए हमने कुछ भी घी इसमें डाला नहीं था। और कई बार छेना हर चीज के लिए अलग अलग बनता है, तो देखिए ये हमारे
ये टेक्सचर देखिए कितना परफेक्ट एकदम। सोनिया जी बोल रही, हेलो मैम। हेलो सोनिया जी, हैप्पी दिवाली आप सबको। देखिए फ्रिज में तो रखने का काम ही नहीं पड़ा भाई, ये जो है वैसे ही हमने यूज़ किया। कितना फटाफट बनने वाली ये मिठाई, ये मलाई लड्डू। थैंक यू वेरी मच। और काश हम लोग रूबरू होते और आप इसका टेस्ट ले पाते। हम सब अमूल को रिक्वेस्ट करेंगे कि कभी भाई जो ऑडियंस है और हम एक छत के नीचे कभी कोई इवेंट हो और हम लोग रूबरू हो जाए और आप सब मेरे साथ इसका टेस्ट भी ले पाए। थैंक यू सोनिया जी। देखिए इसमें करीब करीब पूरे इसमें ना 1 लीटर जो हमने छेना, 1 लीटर का छेना और आधा लीटर ऐसे 1.5 लीटर में 12 से 15 लड्डू आराम से होते। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए मैंने केसर वाला दूध रखा है, इसका थोड़ा सा मैं ये और इसमें से जो केसर है केसर की स्ट्रिंग ये भी मैं इसमें लेना चाहती हूँ। कई जगह ये हो रहा है। चलिए जो हाथ धो के आती हूँ और बाकी का हम लोग करते हैं। इसके साथ केसर की कुछ स्ट्रिंग, निधि जी बोल रही हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली निधि जी। और ये कुछ पिस्ता, इसके साथ पिस्ता बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। देखिए ये जो पिस्ता इसमें कोई कलर नहीं है, नेचुरल कलर। बहुत बार हम लोग बाहर जो बाहर की मिठाई में रहता है उसमें पिस्ता में थोड़ा सा कलर रहता है, लेकिन और इसके साथ मैं थोड़े से ये फॉक्स नट रखना चाहती हूँ क्योंकि हमारे महालक्ष्मी को बहुत पसंद है, कमल से आती है हमारी महालक्ष्मी। तो ये चेस्टनट, फॉक्स नट सॉरी, थैंक यू उदय जी। और आप सबका प्यार ही है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आना, और मैंने जल्दी जल्दी से आ गई हूँ आप सबके साथ दिवाली मनाने।
चलिए, तो आज की ये रेसिपी, आज की ये मिठाई जो बहुत ही डेलिकेट है और काफ़ी प्योर तरीके से बनती है, और कैसे बनाए बहुत बार लगता है कैसे बनती होगी मलाई वाले लड्डू, तो ये आपके लिए बनाए बहुत सारे ट्रिक, छोटी छोटी बातें वो ध्यान रखिए, और आपके लड्डू मलाई लड्डू कैसे बने ये ज़रूर बताइएगा, और फिर से मिलेंगे कल। थैंक यू वेरी मच, बाय, और आप सबको हैप्पी दिवाली, नमस्ते।